दोस्तों, मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन फैंटेसी ऐप माय इलेवन सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि अब कर्नाटक में रिज्यूम हो चुका है और इंडिया वेस्ट इंडीज के थर्ड मैच के लिए ये आपको मेगा गिव अवे दे रहा है 1,00,000 रुपए का बिल्कुल फ्री। दो स्टेप्स हैं इसके, नीचे आपको दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्टर कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा दोस्तों, इतने सारे कैश प्राइस के अलावा भी ये आपको दे रहा है महिंद्रा की ब्रांड न्यू थार। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप वीएस लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो आपको आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा मिल जाएगा। नीचे दिए हुए लिंक पर डाउनलोड करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड कर लो माय इलेवन सर्कल। गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। दोस्तों, आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में अभी काफी कम समय रह गया है और अभी दोस्तों सभी टीमों की तरफ से काफी सारी स्ट्रेटजीज, काफी सारी प्लानिंग और अलग अलग चीजें निकल कर बाहर आ रही है। खैर दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता दिया था केकेआर का प्रैक्टिस मैच और कैंप के बारे में। इसके अलावा अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज भी चल रही है, जो कि काफी अभी अच्छी चल रही है। टी20 का मुकाबला देखने में काफी मजा आ रहा है। बट दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज की तरह केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में और टीम केकेआर की काफी सारी अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज खासकर सभी यहां फैंस के लिए एक मैं शुभमन गिल की अपडेट भी लेकर आया हूं, जहां दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं रिसेंटली शुभमन गिल ने क्या कह दिया है केकेआर के लिए, जिससे कि अब यहां पर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बिल्कुल स्किप वीडियो को मत करना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यहां पर काफी यंग स्क्वाड बनाया है, जिसमें काफी फैंस को ऐसा लगता है कि कुछ जो नाम है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और बहुत ही कच्चे खिलाड़ी यहां होने वाले हैं। खैर, आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि केकेआर ने कमजोर स्क्वाड बनाया है या कि आपके अकॉर्डिंग केकेआर का मजबूत स्क्वाड है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहले अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। तो दोस्तों, जब से शुभमन गिल ने आईपीएल के अंदर कदम रखा है तो यहां दोस्तों केकेआर का मतलब था शुभमन गिल और शुभमन गिल का मतलब था केकेआर, और ऐसा माना जा रहा था कि शुभमन गिल यहां पर हमें टीम केकेआर के एक यंग कैप्टन देखने को मिल सकते हैं, इस साल देखने को मिल सकते थे या फिर अगले साल या फिर उसके अगले साल। बट यहां दोस्तों, उनको रिटेंशन की अगर बात करें तो उनको उतने पैसों के अंदर टीम केकेआर में रिटेन नहीं होना था। खैर, अब दोस्तों ये तो सब पुरानी बातें हैं, टीम केकेआर से वो जा चुके हैं, अहमदाबाद में वो आ चुके हैं। बट दोस्तों, अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है, उन्होंने ऐसा बताया है कि काफी इमोशनल मैसेज, आप सभी को पता होगा जो जो प्लेयर गया है उसको मेमोरीज के तौर पर शेयर केकेआर ने भी किया है और सेल्फ प्लेयर्स ने भी यहां पर थैंक यू वगैरह वगैरह किया है। बट दोस्तों, अब कॉम्पिटिशन की बात करें तो यहां जो शुभमन गिल है, उन्होंने बता दिया है कि अब वो पहली बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील कर रहे हैं और यहां दोस्तों वो नई टीम से ट्रॉफी जीतने को बिल्कुल बेताब है, बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको आईपीएल में सबसे ज्यादा मजा इस साल केकेआर के अगेंस्ट खेलने में आने वाला है। अब दोस्तों, वो उनका बॉन्ड केकेआर से अच्छा है, इस वजह से कहा कि वो केकेआर के सभी राज और स्ट्रेटजी जानते हैं, इस वजह से कहा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आप टीम केकेआर की तरफ से शुभमन गिल को अभी भी मिस करते हो या शुभमन गिल का जाना एक सही डिसीजन है केकेआर के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है प्लेइंग 11 को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों, हमें टीम केकेआर की कुछ प्रैक्टिस ड्रिल्स देखने को मिलती, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पोस्ट डाल दी थी। दोस्तों, यहां जो प्रैक्टिस मैच हल्की फुल्की प्रैक्टिस देखने को मिली थी, चाहे शिवम मावी और अलग अलग जो भी प्लेयर्स थे, काफी सारे प्लेयर्स थे अभिषेक नायर की यहां पर मौजूदगी के अंदर, हमने हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाली थी, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर कर लेना। तो खैर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहां टीम केकेआर के शुरुआती मुकाबलों के अंदर बड़े नाम, खासकर ओवरसीज नाम मिस करने वाले हैं, जिसके चलते कुछ इंडियन या फिर अलग ओवरसीज को मौका मिलेगा। बट दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर एक और प्लेइंग 11 के अंदर नए नाइट की एंट्री हो गई है। दोस्तों, जैसे पिछले साल वेंकटेश अय्यर को ढूंढा गया था, वैसे ही इस साल केकेआर की खोज होने वाले हैं अमन खान। दोस्तों, अमन खान हमें टीम केकेआर की प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग मुकाबलों में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आपने अमन खान को अभी भी देखा है या फिर दोस्तों आप अभी भी नहीं जानते हो अमन खान कौन है। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है सुनील नारायण को लेकर। दोस्तों, ये एक बार सुनील नारायण फिर से सरप्राइज कर चुके हैं, बैक टू बैक 250 बनाई है। 50 बनाना बड़ी बात नहीं है, बन जितनी बॉलों में इन्होंने 50 बनाई दोस्तों, वो कमाल की बात है। तो दोस्तों, आपको अगर पता ही होगा कि इन्होंने क्या धमाका मचाया, अभी एज एन ओपनर भी टीम केकेआर की तरफ से एक चॉइस बन चुके हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ टीम केकेआर को ओपनिंग करानी चाहिए सुनील नारायण को या फिर नहीं, और ओपनिंग अगर सुनील नारायण नहीं आते हैं तो कौन आना चाहिए टीम केकेआर की तरफ से ओपन। दोस्तों, एक्साइटिंग प्राइस और फ्री मेगा गिव अवे के लिए नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें माय इलेवन सर्कल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।